तो गाइस अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे सर्वर पे डेमन स्लेयर का बंडल आ रहा है। किसी सर्वर पे आप लोगों को लक रॉयल के अंदर दिया जा रहा है बहुत सारे आइटम, फिर आप लोगों को बहुत सारे सर्वर पे फेडेड रॉयल के अंदर, किसी सर्वर पे आप लोगों को रिंग इवेंट के अंदर, ऐसे फिर आप लोगों को मीना सर्वर पे भी बहुत जल्द आने वाला है। तो ऐसे करके बहुत सारे सर्वर पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन इंडिया बीडी सर्वर पे देखने को मिलेगा कि नहीं, चलो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और उसके साथ साथ आप लोग बहुत सारे सवाल पूछे हो, जैसे इबो वर्ल्ड के बारे में बताओ, फिर नेक्स्ट कोई लेजेंडरी बंडल देखने को मिलेगा कि नहीं, फिर नेक्स्ट रिंग इवेंट कौन सा देखने को मिल जाएगा, रेड वाली बंडल कब देखने को मिल जाएगा, मतलब बहुत सारे सवाल पूछे। फिर चलो इस वीडियो के अंदर सारा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, मतलब समझ पर आज का वीडियो कितना उपयोगी होने वाला है। बस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा वो तो आप लोगों को पता है, जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पे जो जो नया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो पूरा एंड तक देखना। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो सबसे पहले डेमन स्लेयर से शुरू कर देते, अभी बहुत सारे सर्वर पे आ रहा है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे, लेकिन आप लोग की इंडिया बीडी सर्वर पे देखने को मिलेगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, आप लोग को फाइनली रिटर्न आने वाला है, और एक आइटम नहीं, दो आइटम नहीं, आप लोगों को जितने सारे चीज है, आप लोगों को टोटल चारों का चार बंडल जो मैं अभी आप लोगों को रिव्यू करूंगा, और उसके साथ साथ आप लोग को इसका जितने सारे आइटम है, स्टार्टिंग के अंदर जो मैं आप लोगों को लकड़ा दिखाया उसके अंदर आप लोग को इमोट देखने को मिल रहा था, लूट बॉक्स, बहुत सारे चीज देखने को मिल रहा था, बैकपैक, तो ये सारा चीज आप लोग के एक ही रिंग इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब ये आप लोग एग्जैक्टली पता नहीं आप लोग यूनिवर्सल टोकन के अंदर आएगा कि नहीं, बिकॉज़ ये तो एक आप लोग को यूनिक चीज है, मतलब कोलैबोरेशन आइटम है, और वो चीज आप लोग को पता ही होगा। और सबसे बड़ी बात, आप लोग को ये जो रिंग इवेंट है वो आप लोग को ऑफिशियल बैनर अगर आप लोग नोटिस करोगे तो उधर लास्ट चांस लिखा है, मतलब अगर आप लोग इस बार नहीं लिया तो आप लोगों को कब वापस देगा, एक दो साल, तीन साल, चार साल, पता नहीं एग्जैक्टली रिटर्न कब देगा, उसका कोई मतलब अपडेट नहीं होगा। तब आप लोग कितना भी पूछ लो रिटर्न फिर से कब देगा, तो उसका अपडेट मतलब एक ही आंसर होगा कि अभी कोई अपडेट नहीं है, अभी आप लोग एक दो साल भूल जाओ। तो इस बार से अभी ऑफिशियल बैनर भी अभी आप लोग देख सकते हो, तो इस बार आप लोग को अगर पसंद हो तो आप लोग जरूर निकाल लेना। अगर डायमंड की बात की जाए तो आप लोग मिनिमम 2K 3K डायमंड तो आराम से कलेक्ट करके रखो। और ये रिंग इवेंट आप लोग को कब देखने को मिल जाएगा, आप लोग को 30 जुलाई के अंदर ही आ जाएगा रिंग इवेंट, बस आप लोगों को बस और एक दो दिन ही बचा है, तो अभी से डायमंड कलेक्ट करना शुरू कर दो। तो इसके लिए एक्साइटेड होकर आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताओ। तो फिर आप लोगों का सवाल था इबो वॉल्ट के बारे में बताओ, तो मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर भी बता दिया था कि 2-3 दिन के अंदर ऑफिशियल बैनर जब भी निकल के आ जाएगा तो मैं आप लोगों को कंफर्म करके बता दूंगा। अभी मैं आप लोगों को फेक या प्रेडिक्शन करके नहीं बता सकता, क्योंकि अभी बताऊंगा कि 2 अगस्त को आप लोगों को ए इबोगान वो इबोगान देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को कल तक तो ऑफिशियल बैनर शायद निकल के आ जाएगा, तब मैं आप लोगों को डायरी के बता दूंगा कि इबोगान। इस वजह से अभी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, बस आप लोगों को और एक दिन तो मिनिमम वेट करना ही पड़ेगा, फिर जाके मैं आप लोगों को कंफर्म करके बता दूंगा। इस वजह से बस आप लोग एक दिन वेट करो, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताता हूँ कौन सा इबोगान आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब चलो आप लोग जितने सारे सवाल पूछे हो, कमेंट कर रहे हो, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए आप लोगों को बनी बंडल, तो ये चीज तो आप लोगों को जरूर देखने को मिल जाएगा, और क्या पता आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर ही वापस आ जाए, मतलब देखने को मिल जाए आप लोगों को, तो अभी तक देखने को नहीं मिला, एकदम से नया देखने को मिल जाएगा। जैसे बनी बंडल अदर सर्वर पे देखने को मिल चुका है, लेकिन अभी तक इंडिया सर्वर बीडी सर्वर पे नहीं आया, तो आप लोगों के बनी बंडल फिर इसी थीम के ऊपर आप लोगों को पता है इस बार बहुत सारे आइटम देखने को मिला, जैसे G36 हो गया, फिर आप लोगों को बैक पैक ब्लू वाल का स्किन, फिर आप लोग और भी बहुत सारी चीज, तो ये सारी चीज आप लोग एक ही रिंग इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप लोग बस और कुछ दिन वेट करो, ऑफिशियल बैनर भी जब निकल के आता है तब मैं आप लोगों को बता दूंगा ऐसे ऑफिशियल कंफर्म डेट, लेकिन आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ये चीज तो कंफर्म है, बस आप लोग को और कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। वैसी इसी चीज के साथ साथ और एक डिमांडिंग चीज है, उमा जो थीम के ऊपर जितने सारे आइटम है, आप लोग बहुत सारे आइटम है, आप लोग तो बहुत रिव्यू देख चुके होंगे, 3 लेजेंडरी बंडल से लेके आप लोगों को बैक पैक, फिर और भी बहुत सारी चीज, ग्लोबल का स्किन, बहुत सारी चीज, तो ये रिंग इवेंट भी आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। बस ये शायद आप लोग को एक रिंग इवेंट के अंदर देखने को ना मिल जाए, क्योंकि मैं आप लोग को जैसे बताया इसका बहुत सारे आइटम है, तो आप लोग को सेपरेट करके अलग अलग इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा, शायद आप लोग को फेडेड आ गया, नहीं तो आप लोग को इसका रिंग इवेंट, एक दो रिंग इवेंट आ गया, ऐसे करके आप लोग को धीरे धीरे करके जितने सारे आइटम है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि टोटल 3 लेजेंडरी बंडल है ओपी सा, तो आप लोगों को शायद एक रिंग इवेंट के अंदर भी दे सकता है, अलग अलग करके भी दे सकता है, तो बस इसके लिए भी आप लोगों को और कुछ दिन ही वेट करना पड़ेगा, ये भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों ने जो जो सवाल पूछे हो, जैसे रिंग इवेंट कब देखने को मिल जाएगा, मैं आप लोगों को कंफर्म रिंग इवेंट के बारे में बता दिया, फिर आप लोग इबो वॉल के बारे में पूछे उसके बारे में बता दिया, आप लोगों को मिनिमम और एक दिन तो वेट करना ही पड़ेगा, फिर आप लोग लेजेंडरी बंडल कोई देखने को मिलेगा कि नहीं उसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताया, जो रिंग इवेंट ये भी तो लेजेंडरी बंडल है, तो ये भी आप लोगों को जरूर देखने को मिल जाएगा। अगर बात की जाए आप लोगों को ओल्ड लेजेंड
लेजेंडरी बंडल, कोई लेजेंडरी सा बंडल, तो उसका अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जैसे डेमन स्लेयर का बंडल आ रहा है वो ही आप लोग लेजेंडरी बंडल पकड़ सकते हो, और अगर ईवो बंडल की बात किया जाए उसका अभी तक कोई अपडेट नहीं है। उसके लिए अगर इन फ्यूचर अगर कोई अपडेट मिलता है, कोई ऑफिशियल कुछ आता है, तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के जरूर बता दूंगा। तब तक आप लोग क्या करना पड़ेगा तो आप लोगों को पता है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और शेयर बटन देख पा रहे हो ना, बस शेयर बटन पे क्लिक करना है। व्हाट्सएप कहीं पे भी अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना, नहीं तो मिनिमम बस शेयर बटन पे क्लिक कर देना। और आप लोग के एफएफ रिलेटेड और क्या देखना है वो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर उसके ऊपर भी हम लोग बहुत सारे टॉपिक आप लोग जैसे कमेंट करते हो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते, तो वैसे ही डिस्कस करेंगे। तो मेरा वीडियो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।